गंभीर विषय पर हम आज डिबेट कर रहे हैं। किसी ने ठीक कहा कल यहाँ, हमने और हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार की महामारी आएगी और इतना बड़ा संकट आएगा ये कभी हमने सोचा नहीं था। COVID-19 संक्रमण की चिंता पूरे विश्व में, लेकिन जिसके घर में, जिसके परिवार में ये COVID-19 का हमला हुआ है, उनका प्रेशर क्या होता है ये कल जया जी ने बताया और ये मैं भी महसूस कर रहा हूँ जया जी, कि मेरी माँ जिनकी उम्र 80 साल की है वो भी कोरोना संक्रमित और 15 दिन से अस्पताल में ICU में है। मेरा जो भाई है छोटा, जो विधायक है महाराष्ट्र विधानसभा का, वो भी कोरोना संक्रमित है, वो भी ICU में है। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि कल वहाँ से हमारे साथी वहाँ बैठकर हमारे निंदा कर रहे थे कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन हम लोग जो लोक प्रतिनिधि है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, हमको लोगों में जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों की मदद करनी पड़ती है जाकर। इसी वजह से हमारा भी संक्रमण होता है और हमें भी इस संकट से जूझना पड़ता है। एक बात समझी जानी चाहिए कि ये कोई राजनीति की लड़ाई नहीं है, अपनी और दूसरों की जिंदगी बचाने की लड़ाई है और इससे हर व्यक्ति को अपना योगदान देना है, तभी देश की तबीयत खुशनुमा रहेगी। जैसे कि विनय सहस्रबुद्धे साहब हमारे मित्र नहीं है, अगर आप उनका भाषण कल सुने तो उनका पूरा भाषण, महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नहीं किया, महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से फेल है, सिर्फ निंदा की, खिंचाई की। जहां जहां पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, झारखंड, दिल्ली सरकार कुछ नहीं करते हैं, बाकी सब सरकारें ठीक कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में 30,000 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमित रिकवर हो गए, ये कैसे हो गया फिर? क्या भाभी जी के पापड़, भाभी जी के पापड़ खाकर ये सब ठीक हो गए पूरे देश में? नहीं ना, नहीं, पूरे देश में, सभी राज्यों में, सभी राज्य सरकारें अपने अपनी तरफ से, और हमने पहले दिन कहा था कि ये जो लड़ाई है ये हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। देश के नेता है, इतना बड़ा संकट है तो लड़ाई प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में लड़नी चाहिए और हमने पूरा प्रोटोकॉल जो फॉलो किया है प्रधानमंत्री जी के निर्देश से फॉलो किया हमारी महाराष्ट्र सरकार ने। मैं पूछना, हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी बैठे, अब हमारे कई मित्रों को बड़ी आपत्ति थी कि साहब दिया जलाने से कोरोना भाग जाएगा, थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं, क्या सामाजिक मनोविज्ञान और राजनीतिक मनोविज्ञान को हम नहीं समझते? मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं वो इतिहास भूल गए। क्या चरखा चलाने से अंग्रेज भाग जाने वाला था? नहीं, चरखा एक प्रतीक था भारत की, चरखा। हाँ बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूं मान्यवर, सुनिए तो, सुनिए सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। चरखा एक प्रतीक था जो महात्मा गांधी जी ने चुना, जो भारत, कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, आप बोलो, राष्ट्रीय चेतना के, कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी प्लीज। जिस एक बिंदु पर ठीक, आप बताइए, मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ। प्लीज प्लीज, कृपया सीट पर बैठ करना प्लीज, समझ में आ जाएगा। देखिए, आपकी बात के अलावा कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, आप प्लीज बोलो। महात्मा गांधी जी ने चरखे को एक प्रतीक बनाया, प्लीज, वह प्रतीक बना संपूर्ण भारतीय जनमानस की भावनाओं का केंद्र बिंदु, और वहां से ब्रिटिश राज को उखाड़ने का संकल्प उठा था।
उसी प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दिए को एक प्रतीक बनाया जिसपे संपूर्ण राष्ट्र की चेतना समवेत रूप में आकर इस लड़ाई से लड़ने के लिए आगे बढ़े। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस संकल्प के मनोविज्ञान को समझने की आवश्यकता है। अब हमारे कई विरोधी अभी बोल रहे थे, संजय राउत जी ने कहा कि साहब हमारे पूर्व वक्ता डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी ने महाराष्ट्र सरकार पे किया। अरे हमें कुछ कहने की आवश्यकता है क्या? सभापति महोदय, आपने इसी सदन में देखा कि महाराष्ट्र सरकार के दो घटक दलों के बीच का मनोभाव कैसे उभर कर सामने आ गया कि मेरा हिस्सा ज्यादा कि तेरा हिस्सा ज्यादा। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ कहने की आवश्यकता है। संजय सिंह जी अभी बोल रहे थे, तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आनंद विहार के बस डिपो के पास खड़ी हुई भीड़ ही नहीं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का उल्लेख नहीं होता। तो भाई आपको याद हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के वो, आपने तमाम वीडियो क्लिपिंग्स देखी होंगी जिसमें वो कहते थे, मुझे यहां तक याद है कि 70 लाख लोगों का भोजन बन रहा है। हम सभी दिल्ली में रहते हैं, वो 70 लाख लोगों का भोजन कहां बनता था और वो कहां पैक होता था, हम में से शायद बहुत लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा था। खैर उस विषय को हम जाने देते हैं, हम इस बात पे आगे बढ़ते हैं कि रचनात्मक आलोचना का हम स्वागत करते हैं। आप बिल्कुल क्रिटिसिज्म करिए जो करना है, परंतु जब शुरू से ही विषय कटाक्ष और व्यंग का रहे तो मैं ये समझता हूं कि यह बहुत उचित नहीं रहता है। तो सब सर्वप्रथम आवश्यकता थी संकल्प की, जिसको प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया। अब दूसरा विषय, अभी आपने देखा हमारे कई विरोधियों ने कहा कि साहब नमस्ते से बड़ी समस्या हो गई। कल भी कहा था इसी सदन में आप कि साहब नमस्ते के कार्यक्रम बड़ा भारी पड़ गया। मैं पूछना चाहता हूं कि नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम यदि भारी पड़ गया, 2 घंटे में कुछ लोग थे, वो तिथि तो आप सबको ध्यान होगी 24 फरवरी थी, और उसी समय पूरे देश के दर्जनों शहरों में बकौल हमारे विरोधियों के लाखों लोग हजारों हजार की संख्या में बगैर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो कार्यक्रम कर रहे थे वो क्या कोविड किलिंग ऑर्केस्ट्रा था? वो क्या था? तो यानी 1-2 घंटे के कार्यक्रम से सारी समस्या थी, और वो स्वयं कह रहे थे कि साहब सब तरफ जो चल रहा था उससे कोई समस्या नहीं थी। यह एकांगी दृष्टि है, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए और एक यथार्थ चीज को देखने का प्रयास करना चाहिए। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस परिस्थिति में अक्सर हमारे विरोधी दल के प्रमुख नेता की दूरदृष्टि की बड़ी गवाही देते हैं हमारे विरोधी। इनके नेता जिन्होंने कहा जाता है कि साहब फरवरी के महीने में ही ट्वीट कर दिया था कि साहब कोविड कितनी बड़ी समस्या है और सरकार ने समय रहते उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। कहा जाता है 12-13 फरवरी को ट्वीट किया था। वह नेता चिर युवा है और चिर व्याकुल है, परंतु मैं बताना चाहता हूं उनकी दूरदृष्टि कितनी दूर से आ रही थी। उस कालखंड में देख लीजिए जब वो यह बता रहे थे कि भारत सरकार को विदेश की फ्लाइटें बंद कर देनी चाहिए थी, कोविड बहुत भयानक रूप धारण करता चला जा रहा है, और उस समय वो स्वयं विदेश में थे। खैर कोई बात नहीं, जब आए तो हमें इस सब सदन में याद है, आने के बाद यदि वह 12-13 फरवरी को इतनी भयानक समस्या लगने लगी थी और उनके अप्रतिम ज्ञान संपन्न बुद्धि को इसका साक्षात्कार हो गया था, तो मार्च के प्रथम सप्ताह में सदन को रोक कर कोविड पर चर्चा क्यों नहीं करवाने की बात कही गई? 2 दिन सदन नहीं चला, किस लिए? कोविड पर चर्चा के लिए नहीं, बजट सत्र था, आर्थिक विषयों पे नहीं,